नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार मंगलवार को हो गया। इसके साथ ही 17 नए मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया। नीतीश कैबिनेट के विस्तार में उन सामाजिक इलाकों और समूहों को एक तरह से इनाम दिया गया है जहां विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को थोक वोट मिले थे। नए समूहों को जोड़ने और जुड़े रखने के लिए 3 बातों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जिन बातों पर ध्यान दिया गया है उनमें पहला है उन समूहों को अधिक जगह देना जो चुनाव के दौरान एनडीए को लेकर थोड़ा लचर थे लेकिन भविष्य में एनडीए में जुड़ने की गुंजाइश है। दूसरा, ऐसे समूह को कम तरजीह देना जिनकी प्रतिबद्धता गैर एनडीए दलों के साथ चिन्हित है। तीसरा, वह समूह जिसे कम जगह मिले फिर भी वह इधर उधर नहीं जा सकता है। एनडीए के प्रति ढूलमूल टाइप वोटरों को भविष्य में एनडीए से जोड़ने के लिए राजपूत और कुशवाहा बिरादरी के विधायकों को मंत्रिमंडल विस्तार में तरजीह दी गई है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार में कुल 17 नए मंत्री बने हैं जबकि जदयू कोटे से 8 मंत्री बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 1/3 से अधिक कुल 6 जिनमें 4 राजपूत और 2 कुशवाहा इसी समूह से आते हैं। एक दौर में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने एनडीए और खासकर जदयू का खुलकर साथ दिया था। जदयू ने इस वोट बैंक से अपना उम्मीद नहीं छोड़ा है। भाजपा और जदयू ने एक एक अल्पसंख्यक को बिहार के इस मंत्रिमंडल में जगह दिया है। एक तरफ भाजपा ने शहनवाज हुसैन को मंत्री बनाया है तो वहीं दूसरी तरफ जदयू ने बसपा से बागी होकर जदयू में शामिल हुए मोहम्मद जमा खां को अपने कोटे से मंत्री बनाया है। आपको बता दें कि ब्राह्मण और भूमिहार बिरादरी के मतदाता एनडीए के कोर वोटर माने जाते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में 2 ब्राह्मणों को जगह दी गई है। इनमें जदयू कोटे से संजय झा और भाजपा कोटे से आलोक रंजन शामिल हैं। मंगल पांडे पहले से ही मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, लेकिन एक बात और है कि भूमिहारों का प्रतिनिधित्व कम हुआ है। इस समूह के बारे में शायद यह सोच है कि स्थानीय और सामाजिक कारणों से इधर उधर नहीं भटकेंगे। भाजपा और जदयू ने पहले ही इस बिरादरी के एक एक विधायकों को मंत्री पद दे रखा है। भाजपा के जीवेश कुमार और जदयू के विजय कुमार चौधरी पहले ही मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। वहीं इस बिरादरी के विधायक विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन को कैबिनेट में जगह देकर भाजपा ने अपने प्रतिबद्ध कायस्थ वोटरों का ख्याल रखा है। भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की गंभीर पहल के बावजूद एनडीए शायद यादव वोटरों को लेकर सहज नहीं हो पा रहा है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में किसी यादव विधायक को जगह नहीं मिली। हालांकि जदयू कोटा से बिजेंद्र प्रसाद यादव और भाजपा कोटे से रामसूरत कुमार राय पहले से ही बिहार कैबिनेट में शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति के विधायकों को मंत्री पद देने में लोजपा फैक्टर का पूरा ख्याल रखा गया है। कैबिनेट विस्तार के बाद भी पासवान बिरादरी के सिर्फ 1 सदस्य भाजपा के रामप्रीत पासवान नीतीश कैबिनेट में रहेंगे। पासवान को लोजपा का कोर वोटर माना जाता है। एनडीए के साथ जुड़ने की गुंजाइश वाली अनुसूचित जाति को विस्तार में जगह दी गई है। रविदास बिरादरी के 2 सदस्यों भाजपा के जनक राम और जदयू के सुनील कुमार को जगह दी गई है। पासी बिरादरी के अशोक चौधरी पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं जबकि जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष कुमार भी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।